स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जो नया सेशन है 2023-2024, अब इस सेशन को लेकर के सीबीएसई थोड़ी सीरियस हो गई है क्योंकि एग्जाम्स अब आपके बहुत जल्द होने ही वाले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि अब इस बैच में वो बच्चे भी बैठेंगे सेशन में जिन बच्चों का इस बार सीबीएसई कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, पर आप उन्हीं सब्जेक्ट में बैठोगे जिन सब्जेक्ट का आपका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर सीबीएसई, एनआईओएस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। ऑल दो एनआईओएस उतना अभी हम इतना जानते नहीं है एनआईओएस के बारे में जितना हम सीबीएसई या सीआईएससी के बारे में जानते हैं। सो सम बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनआईओएस। एनआईओएस जो है आप जानते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। इसने ऑनलाइन एडमिशन डेट्स जो है जनरली कुछ स्ट्रीम्स होती हैं इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रीम के लिए अपकमिंग ईयर। सो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई सेम ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन टू फिल आउट द एनआईओएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू अपीयर फॉर पब्लिक एंड ऑन डिमांड। एक तो हो गया पब्लिक एग्जाम और एक एग्जाम होता है ऑन डिमांड, जो हम चाहते हैं उस हिसाब से एग्जाम हमारा हो सकता है। सो एज पर द लेटेस्ट अपडेट, एनआईओएस का जो एडमिशन है ऑनलाइन एडमिशन डेट्स है फॉर स्ट्रीम टू हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 जुलाई टू 7 अगस्त। इसमें लेट फाइन भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। सो एनआईओएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डेट्स आर सेम फॉर 10th एज वेल एज 12th। 10th वाले बच्चे भी भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, व्हाइल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट, सीबीएसई में भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। आफ्टर एनआईओएस रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट, स्टूडेंट्स मस्ट नोट डाउन द रेफरेंस नंबर। आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे ना, एनआईओएस के साइट पर रजिस्ट्रेशन की लिंक होती है, यू विल गेट अ रेफरेंस नंबर, वो जनरेट होगी, उसको आपको सेव करके रखना है। दिस रेफरेंस नंबर इज यूज बाई स्टूडेंट टू ट्रैक द एनआईओएस रजिस्ट्रेशन स्टेटस। आप बार बार अपना स्टेटस या कुछ भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपना ये नंबर चाहिए, सो दैट नंबर शुड बी केप्ट सेफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम्स की, तो एक तो ब्लॉक वन का जो एग्ज़ाम होगा मई 24 में होगा। सो इवेंट्स और उसके खास डेट्स हैं कि एनआईओएस का जो एप्लीकेशन है विदाउट लेट फाइन जो था वो था 31 जुलाई। एनआईओएस रजिस्ट्रेशन विथ लेट फाइन ऑफ 200 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त था। रजिस्टर ऑफ एनआईओएस विथ लेट फाइन ऑफ 400, अभी अगर जैसे मान लो कि लेट फाइन और है तो वो है कि सेकेंड वीक में भी कोई 400 फाइन दे करके करा सकते हैं, और भी फर्दर लेट फाइन है 700, उसको दे करके आप सेप्टेम्बर तक एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट इसका ब्लॉक वन का है अगले साल। अब ब्लॉक टू का है अक्टूबर नवंबर, इसके जो डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट लेट फाइन जो है वो था है September 16, ये पास्ट वाला है, टू January 31। फिर NIOS ये एक फॉर्म है जो मतलब ये वाला ऑलरेडी डन है ब्लॉक टू। ठीक है, ये जानकारी के लिए आपको किस तरीके से लेट फाइन के साथ साथ करते हैं। स्ट्रीम वाइज जो एनआईओएस रजिस्ट्रेशन होती है, एनआईओएस के पास 4 स्ट्रीम्स होते हैं। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू फिल आउट द एनआईओएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एनी स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड एलिजिबिलिटी। स्ट्रीम वन में एनआईओएस रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर ऑल लर्नर्स सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, जो लर्नर्स हैं। ठीक है, स्ट्रीम वन स्टूडेंट्स आर अलॉटेड एन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको एक स्टडी सेंटर मिलेगा जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है। अगर आप स्ट्रीम टू में रजिस्टर करते हैं तो एनआईओएस इन द स्ट्रीम इज हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड 10th। मान लो आप 10th पास कर गए हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, बट विश टू अपीयर फॉर एग्जाम ऑफ 1-4 सेज। मान लो आप इम्प्रूवमेंट जैसे होता है ना कि 10th वाला या 12th वाला, यू वॉन्ट टू री अपीयर, मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं, तो 1-4 सब्जेक्ट में री अपीयर हो सकते हैं, तो आपका स्ट्रीम वहाँ पर होगा 2। सच स्टूडेंट्स विल हैव टू अपलोड देयर फेल मार्क्स, या आपकी जो भी मार्क्स हैं कम हैं या फेल हैं, वो मार्क्स आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। फिर एनआईओएस का जो हॉल टिकट है वो जनरेट हो जाएगी। स्ट्रीम थ्री क्या है? एनआईओएस रजिस्ट्रेशन इन स्ट्रीम थ्री इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर। अब ये स्ट्रीम वो है कि आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो। दोज हु हैव पास्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बट विश टू अपीयर फॉर 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर इन्हांसिंग देयर स्कोर। ठीक है, स्कोर इन्हांसमेंट के लिए आप स्ट्रीम थ्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑन डिमांड एग्जाम चाहे तो आप दे सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है आपके लिए। स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर और अपीयर इन एनआईओएस 10th आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर एनआईओएस 23 रजिस्ट्रेशन।
ठीक है, टेंथ में जो क्लियर नहीं कर पाए वो भी अपेयर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज, डेटा एंट्री ऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस, हिंदी, इंडियन कल्चर हेरिटेज, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, साइकोलॉजी, संस्कृत, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, सबके सब्जेक्ट्स कोड भी दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग की देखो, NIOS इज अ न्यू बोर्ड, नया है आप सबके लिए, हमारे लिए भी इतना फेमिलियर नहीं है जितना CISE फेमिलियर है या CBSE फेमिलियर है। ठीक है, तो इतना हमें भी जितना पता है वो हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बट इफ यू वॉन्ट टू स्टिक टू CBSE बोर्ड, सो स्पेशल बैचेज जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कंपार्टमेंट के बैच बन गए हैं, क्लासेस जो है वो मैं 1 सितंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आपके पास टाइम है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास 10th के लिए साइंस, क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री। जो पैटर्न चेंज हुआ है NCERT से मैंडेट, तो आपको पढ़ाया भी, हाईलाइटेड PDF आपके साथ शेयर भी किया जाएगा और उसी से पढ़ाया भी जाएगा। नोट्स विल बी गिवन टू यू, प्रैक्टिस पेपर्स, MCQs एंड 3 क्लासेस अ वीक, जिसको आप वाया जूम ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, कॉल विल नॉट बी एंटरटेन, सो आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ताकि आपके साथ फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए एंड यू कैन बी अलाउड टू सिट इन द क्लास। नाउ क्लास 12th के बच्चों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लेलिस्ट जनरेटेड है, जहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री क्लास 12th ऑलरेडी गिवन है। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो 2024 के बैच में आएंगे। सो ये दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।